वहीं आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है लीबिया के बाद अब यमन में भी विवादित अमेरिकी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहां अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है। अमेरिकी दूतावास के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और वहां नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने वहां कई गाड़ियों में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारी अमेरिका का काफी विरोध कर रहे हैं। तो अब लीबिया के बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमन की, जहां पे विवादित अमेरिकन फिल्म को लेकर यहां पे प्रदर्शनकारी हिंसक हो उठे हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास के अंदर ये प्रदर्शनकारी घुस गए हैं और वहां जाकर अपना विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है और दूतावास के अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने वहां कई गाड़ियों को आग भी लगाई है और अमेरिका का काफी विरोध किया जा रहा है। वही हमने देखा कि कैसे कुछ ही घंटों पहले लीबिया के भी अमेरिकी दूतावास में इसी तरह से प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिसमें 5 अमेरिकन डिप्लोमैट्स थे जिनकी मौत हो गई और उसमें अमेरिकी एम्बेसडर स्टीवेंसन भी थे, जो कि लीबिया में काफी लंबे अरसे से अमेरिकन एम्बेसडर थे, वो भी मारे गए थे इसी हमले में, प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रदर्शन में। और अब लीबिया से खबर आ रही है जहां लीबिया के बाद अब यमन में भी इसी तरह से प्रदर्शन जताया जा रहा है इस विवादित अमेरिकन फिल्म पर। आपको बता दें, यमन में अमेरिकी दूतावास में प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं, आगजनी भी की है, कई गाड़ियों को आग लगाई है इन प्रदर्शनकारियों ने और नारे लगाए जा रहे हैं दूतावास के अंदर। वहीं आपको बता दें, सिर्फ लीबिया और यमन ही नहीं बल्कि काहिरा से भी कुछ ऐसी ही खबरें लगातार मिल रही हैं और काफी तेजी से आग की तरह फैल रहा है ये प्रदर्शन। जहां हमने देखा कि पहले लीबिया को निशाना बनाया प्रदर्शनकारियों ने, तो अब यमन से भी कुछ ऐसी ही खबरें मिल रही हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमन के अमेरिकी दूतावास की, जहां पे किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने इनसे प्रदर्शन किया, आगजनी की। और कुछ ही घंटे बीते हैं जब लीबिया से खबर आई थी अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों के हमले की। और वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको आज भी दिखा रहे हैं यमन के अमेरिकी दूतावास की, जहां पे प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला है। कुछ आपत्तिजनक तथ्यों को सामने रखा गया है इस अमेरिकी फिल्म में और इसी बात को लेकर यहां पे ये काफी नाराज हैं प्रदर्शनकारी। और ऐसे कई देश हैं, कई अरब देश, कई ऐसी दूसरी गल्फ कंट्रीज यहां पे देखने को मिलती हैं, जहां पे ये प्रदर्शन काफी तेजी से फैल रहा है। लीबिया की तस्वीरें कल के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे किस तरह से अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया। तो वहीं पर यमन की हम आपको ये आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेरिकी दूतावास की। अमेरिकी राजदूत क्रिस्टोफर स्टीवेंसन समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी कल के इस हमले में। और आपको बता दें, ये हमला लीबिया के बेनगाजी शहर में हुआ। खबरों के मुताबिक एक अमेरिकी फिल्म के विरोध में कुछ कट्टरपंथियों ने बेनगाजी में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला किया।